हरियाणा में छुट्टी पर आए जवान को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का बेहद संगीन मामला सामने आया है। जवान की 8 फरवरी को ही शादी हुई थी। शादी के लिए ही गांव में छुट्टी पर आया हुआ था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। वारदात के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नारनौल के गांव गहली में दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। इसी रंजिश के चलते एक गुट ने असम राइफल में तैनात अजय कुमार को गांव में ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक अजय के मामा भवानी सिंह के अनुसार अजय असम राइफल में तैनात था, जिसकी शादी 8 फरवरी को हुई थी। उसी के लिए वह छुट्टी लेकर गांव आया था। जैसे ही सुबह घर से निकला, आरोपियों ने उसे घेरकर गोली व फरसा मारकर मौत के घाट उतार दिया। मैं भवानी सिंह मोहनपुर से अजय का मामा बोल रहा हूँ। आज अजय को मारकर हत्या कर दी। कैसे मारा? उसको वो घर से बाहर गया था कोई काम के लिए, बाइक के ऊपर रास्ते में गिरा दिया उसको। उसको गोली लग मारी और कुहाड़ा मारा। आसाम राइफल में यह नौकरी करता था। 8 फरवरी को पिछले शादी थी इसकी, अभी कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले अभी 8 फरवरी को अभी छुट्टी आया हुआ था। अभी छुट्टी आया हुआ था। कितने दिन की छुट्टी बची थी? छुट्टी 2-4 रोज की छुट्टी बची थी। जिसमें मारा वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी गैली के ही है। गैली के ही है, इनकी पुरानी आपसी रंजिश है। कोई इसमें गिरफ्तारी वगैरह हुई है अभी? अभी कुछ नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं हुई। अभी गिरफ्तारी प्रशासन कर लेगा।